अब हम निसाद बाग के अंदर एंट्री करने जा रहे हैं, और यहाँ पर भी टिकट जो है 24 रुपये एडल्ट्स के लिए है और बच्चों के लिए 12। निसाद बाग के अंदर आ गए हैं और इसे जो है नूरजहाँ के छोटे भाई आशफ जहाँ ने बनवाया था। पीछे जो है जबरवाह की पहाड़ी है, इस पहाड़ी पे परी महल और चश्मा शाही है। निशाद बाग का मतलब है गार्डन ऑफ जॉय। इसके आगे की तरफ डल लेक है और पीछे की तरफ पहाड़ियाँ। ये गार्डन जो है 12 तल यानी टेरेस के साथ बना था, और हर एक राशि के लिए एक तल ऐसा माना जाता है। पहला टेरेस जो कि वाटर कलेक्शन चैम्बर था, उस पर सड़क बन गई है, और इस तरह से ये 12 टेरेस हैं। आखिरी टेरेस जो है उसको जनाना बोलते हैं। हम निसाद बाग में ऊपर की तरफ आ गए हैं और पीछे जो है इस तरफ डल लेक है। इस तरफ कंस्ट्रक्शन है जो सीक्वेंसली हुआ 1600 से स्टार्ट होने के बाद 1870 तक, और यहाँ पर भी एक चिनार का पेड़ है। झरने के पास काफ़ी भीड़ है, इसलिए हम लोग जो है ऊपर की तरफ जा रहे हैं घर से। चारों तरफ जो है चिनार के पेड़ हैं। ये फूल जो है बहुत सुंदर लग रहे हैं। शालीमार बाग के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा मुगल गार्डन है श्रीनगर में। ये जो चहरदीवारी, इसके ऊपर की तरफ जो हिस्सा है वो जनाना कहलाता है, वो शाही महिलाओं के लिए रहा होगा। तो अब हम जा रहे हैं ऊपर और देखते हैं वहाँ पे जो जनाना टेरेस बना है, काफ़ी खूबसूरत है। सीढ़ियों पे चढ़ने के बाद हम ऊपर की तरफ आ गए और ये जो है यहाँ पे सबसे लास्ट बिल्डिंग है। और सामने की तरफ जो है डल लेक है। अब जो है हम लास्ट बिल्डिंग के अंदर जा रहे हैं। इसके जो छत के ऊपर डिज़ाइन है वो बहुत ही खूबसूरत है, और पानी जो है वो यहाँ से नीचे जा रहा है। पानी के पीछे जो है पहाड़ी दिखाई दे रही है और रोड है इस तरफ। दीवारों पे नाम लिख के लोगों ने गंदा मचा रखी है। बहुत सारे कौवे हैं इसमें। ऊपर वाले हिस्से से हम नीचे आ गए हैं और यहाँ से अब जो है बाहर निकलेंगे धीरे धीरे। यहाँ बहुत सारे कबूतर हैं।
निशाद बाग के सामने डल लेक है। ये सेकेंड टेरेस है नीचे। यहाँ एक बारादरी थी पहले, जो कि अब डिसमेंटल हो चुकी है। अब हम डल लेक के किनारे से जा रहे हैं एयरपोर्ट की तरफ, और यहाँ पर जो है दुनिया का इकलौता फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस है। ये लाल चौक का इलाका है। अब हमारा वीडियो जो है ये यहीं ख़त्म होता है, फिर हम कश्मीर लौटेंगे और अपनी कश्मीर एक्सप्लोरेशन सीरीज़ कंटिन्यू करेंगे। वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया, मिलते हैं अगले वीडियो में।